हेलो स्टूडेंट, अब हम आपके बुक के दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन जिसमें तृप्ति एंड चौहान आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर कैपिटल वाज 60,000 एंड 40,000 एज April 1, 2017। ड्यूरिंग द ईयर दे अर्न अ प्रॉफिट ₹30,000 अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डेट। बोथ द पार्टनर्स आर एंटाइटेड टू 1,000 पर मंथ एज सैलरी एंड 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दे आर ऑल्सो टू बी चार्ज एज इंटरेस्ट ऑफ 5% ऑन देयर ड्रॉइंग्स ऑफ द पीरियड विच इज 12,000 फॉर तृप्ति एंड 8,000 फॉर चौहान। प्रिपेयर पार्टनर्स अकाउंट व्हेन कैपिटल इज फिक्स फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 December 2018। तो यहाँ हम पार्टनर से कैपिटल अकाउंट फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग दोनों टाइप से प्रिपेयर करने वाले हैं। मैंने इनके लिए फॉर्मेट पहले से बना लिया है। फॉर्मेट के अकॉर्डिंग इसको हम शुरू करते हैं। तो पहले फिक्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इस कैपिटल अकाउंट के साथ इसके सपोर्ट में एक पार्टनर करंट अकाउंट भी प्रिपेयर होता है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ओनली अमाउंट ऑफ पार्टनर ये रिकॉर्ड होता है। तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग पार्टनर की कैपिटल 60,000 एंड 40,000 इंट्रोड्यूस है। तब इसको हम क्रेडिट पर रिकॉर्ड करते हैं बाय बैलेंस बीडी 60,000 एंड 40,000। अदर कोई भी ट्रांजेक्शन कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि ये फिक्स कैपिटल अकाउंट है। तब फिर डेबिट साइड इसे क्लोज करने के लिए टू बैलेंस सीडी यही अमाउंट ट्रांसफर होगा 60,000 एंड 40,000। टोटल करेंगे 60,000 40,000। सेकेंड अकाउंट पार्टनर करंट अकाउंट, जब फिक्स कैपिटल अकाउंट होगा तो फिर पार्टनर करंट अकाउंट भी हमें प्रिपेयर करना होगा। इसमें पार्टनर कैपिटल को एक्सक्लूड करके अदर जितने भी पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगे वो सारे के सारे यहाँ पर रिकॉर्ड होते हैं। इस क्वेश्चन में ऑलरेडी प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पहले से प्रिपेयर हो चुका है, हमें ओनली पार्टनर करंट अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो इन कंडीशन में पार्टनर के कैपिटल का इंटरेस्ट, तो पार्टनर के कैपिटल 60,000 और 40,000 थे जिन कैपिटल पर पार्टनर को फर्म से जो इंटरेस्ट अलॉट होना है वो 5% पर एनम है। तब 60,000 का 5% दिस इज 3,000। सेकंड 40,000, तो 40,000 का 5% दिस इज 2,000। दोनों पार्टनर्स 1,000 rupees पर मंथ सैलरी रिसीव करते हैं, तो इन कंडीशन में 1,000 पर मंथ मीन 1,000 × 12, 12,000 ईच पार्टनर विल बी रिसीव सैलरी। पार्टनर्स के ड्रॉइंग्स पर मंथ जो पार्टनर ने किए हैं वो 12,000 and 8,000 rupees है। तो 12,000 and 8,000 डेबिट साइड, दिस इज 12,000 8,000। पार्टनर के ड्रॉइंग्स का इंटरेस्ट पार्टनरशिप फर्म में 5% पर एनम है। तो 12,000 ड्रॉइंग्स का 5% दिस इज 600 एंड 8,000 5% दिस इज 400। एंड ऑफ द ईयर आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशन पार्टनरशिप फंड का प्रॉफिट 30,000 है और पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। तो 30,000 3:2 इसमें हम इनको डिवाइड करने वाले हैं 30,000। तो 30,000 इंटू 3/5 दिस इज 18,000 एंड सेकेंड पार्टनर 30,000 इंटू 2/5 दिस इज 12,000।
सारे ट्रांजेक्शन के बाद इसको क्लोज करेंगे, दोनों साइड का डिफरेंस होगा, डिफरेंस डेबिट में है तो ये टू बैलेंस सीडी होगा। तो पहले इनका हम टोटल करते हैं, ये 33,000 ये 26,000। अब क्रेडिट से डेबिट का टोटल माइनस करके जो डिफरेंस होगा वो बैलेंस होगा। तो 33,000 में से 12,600 हम ये माइनस करेंगे, दिस इज 20,400। एंड सेकेंड 26,000 में से हम ये माइनस करेंगे 17,600। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स था इसलिए हमको पार्टनर करंट अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ा। पार्टनर करंट अकाउंट में पार्टनर के कैपिटल के अलावा अदर जितने भी ट्रांजेक्शन थे वो सारे रिकॉर्ड किए, ट्रांसफर हुए। सेकेंड मेथड फ्लक्चुएटिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जब फ्लक्चुएटिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट होगा तो उस कंडीशन में आपको करंट अकाउंट सेपरेट ओपन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ करंट अकाउंट के जितने भी ट्रांजेक्शन थे ये सारे के सारे कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं। देखें सबसे पहले पार्टनर्स के कैपिटल क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बीडी। तो पार्टनर कैपिटल 60,000 एंड 40,000। इस अकाउंट में जितने भी ट्रांजेक्शन थे वो सारे के सारे कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे। तो सबसे पहले बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो यहाँ था इसको हम ये रिकॉर्ड कर देते हैं 3,000, 2,000। देन बाय पार्टनर सैलरी, तो बाय पार्टनर सैलरी 12,000। बाय प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 18,000, 12,000। डेबिट साइड टू ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स थे 12,000, 8,000, 12,000 and 8,000। टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दिस इज 600 and 400 एंड टू बैलेंस सीडी। बैलेंस इससे और इससे डिफरेंट। तो सबसे पहले हम इसका टोटल करते हैं, इसमें से हम ये माइनस करेंगे, सेकेंड टोटल 66,000। यहां 66,000 जिसमें से ये माइनस करके बैलेंस हो, ₹57,400। यहाँ दोनों अकाउंट के जो टोटल हैं वो डिफरेंट होंगे। अब इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है और चेंज क्या है इसको हम अगर देखें, मैं फिक्स कैपिटल अकाउंट को फ्लक्चुएटिंग में चेंज करके देखता हूँ। अगर यहाँ मैं ये सारा माइनस करूँ, और इन कॉलम को अगर मैं बढ़ा दूं तो हम देखें कि सारे के सारे अमाउंट जो यहां से थे वो यहां आ गए, ये बैलेंस यहां नहीं होगा और यहां का बैलेंस होगा वो चेंज होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एंट्री
जो यहाँ नहीं रही होगी, ये बाय बैलेंस, ये बैलेंस था बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था बाय सैलरी, ये सैलरी थी बाय प्रॉफिट एंड लॉस, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था, और डेबिट पर टू ड्रॉइंग्स, ये टू ड्रॉइंग्स था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स था टू बैलेंस, बैलेंस जब यहाँ पर कैपिटल का बैलेंस एड हो गया तो ये बैलेंस चेंज हो जाएगा, तब यहाँ पर बैलेंस ये 80,400 और ये 57,600 होगा। अगर हमने ये प्रेफर किया तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती, हमने ये प्रेफर किया है हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती, बट हमने अगर दोनों प्रेफर किए इसका मतलब हम दोनों को सीख रहे हैं, और यहाँ पर मैंने आपको दोनों को कंपेयर करके बताया। ओके।